ओके सो वेलकम बैक टू के व्लॉग्स। आपने बाप और बेटे का नॉर्मल शॉपिंग तो देखा होगा, बट हमारे सिलसिले में आपको वैसा व्लॉग देखने नहीं मिलेगा। हम ऐसे यूनिक शॉपिंग करते हुए दिखेंगे, जैसे आज हम करने वाले प्लान का शॉपिंग। सो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड तक देखना। सो लेट्स गो। यहाँ से निकल रहा था मैं, ये बिल्डिंग जो बता रहा था, ये बिल्डिंग के एक्सैक्ट आगे समोसा वाला रुकता है। इसका समोसा, ये शॉप है प्रताप नगर में, आप ले सकते हो। मैं जब भी आता हूँ उसके वहाँ से खाता ही हूँ, तो इस बार भी लिया। ओके कि अपने रिटर्न के टाइम में नर्सरी में जाके ट्रीज लेके, तो अभी एक नर्सरी में रुका है गाड़ी, तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रीज अवेलेबल है कि नहीं, और इसके बाद चलते घर पे वापस अहमदाबाद। ओके तो चलो। ओके सो आप सब सोच रहे हो कि क्या हुआ ट्री, आजकल प्लांटिंग का बहुत चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे घर पे आओ तो आपको हर कोने में प्लांट्स देखने मिलेगा। मैं और डैड प्लांट्स के पीछे बहुत पागल है। ये सब के बीच में एक जन है जो परेशान रहते हैं, वो है मेरी मॉम। मॉम बोलती है, भाई क्या तुम क्या जंगल उगाना चाहते हो क्या घर पे, हर जगह प्लांट्स प्लांट्स प्लांट्स। बट क्या बोलूँ, मम्मी वो समझेगी नहीं। डायबिटीज कर गए। अच्छा इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या बोला? ओके सो यहाँ पे बताया कि ये मधुनाशिक नाम का कोई लीफ है, खा सकते डायबिटीज वाले कोई। अच्छा देख सकते। ओके आगे और भी पूरा ट्रीस है, देखता हूँ मैं ओवरऑल परचेस करने का, बताता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। तो जो मैं रेट का डिफरेंस बोल रहा था आप समझ सकते हो, ये 30 रुपीज़ का है, और ये जो लिया ये 100 रुपीज़ का एक पीस है। मीन्स अगर अपने बाहर शॉप्स में लेने जाए तो मोर देन 250 रुपीज़ है, बट यहाँ पे 100 रुपीज़। तो अगर आप बड़ोडा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाई, मतलब एक्सप्रेस हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे में जा रहे हो तो नर्सरी साइड में दिखेगी, वहाँ से परचेज करो, आपको बहुत लेस डाउन मिलेगा। हाँ ओके सो और दूसरा चीज़, मेरे डैड के साथ अगर आप प्लांट्स का शॉपिंग करने आओगे ना, डैड को एक एक प्लांट के बारे में नॉलेज है भाई। कुछ भी पूछो, बोल सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया है मेरे डैड प्लांट्स के बारे में। कोई भी क्वेश्चंस हो भाई बिंदास पूछो। तो वही मेरे ख्याल से मेरे को ही उनका थोड़ा वो प्लांट्स का प्यार मुझे भी मिला है। अभी एक मस्त स्टंट हुआ, आप यहाँ देख सकते हो कीचड़ है, सब घूम के जा रहे हैं भाई, कलर करने के गए, गिरे। पोछो पोछो हाथ पोछो, दुखेगा अब, रात को आएंगे भैया दुख रहा है, भैया हाथ दुख रहा है। कोई जरूरत है, जरूरत है जा और घूम। ओके सो अभी तक का जितना परचेस किया वो सब अभी ये गाड़ी में डाल के रख रहे हैं। ये गाड़ी हमारा, और ये आगे देख सकते हैं फुटेज लेने के लिए भी आगे घूमता रहता है। उसको व्लॉग बनाना बोला तो एक भी जन ने नहीं देखा, इसके लिए मेरा मैं व्लॉग बना। ओके सो शॉपिंग हो गया, ट्री का फाइनली ख़त्म हो गया। यहाँ देख सकते हो इतना जड़ खरीदा, पूरा एक बार दिखा देता वीडियो, मतलब तो जाड़ खरीदा। ओके सो बाय। और हाँ आगे भी जा रहे हैं, अगर आगे कोई और मिल रहा है अच्छा फ्लावर वाला तो देखते। टोटल बिल अपना
इतना हुआ 800 रुपीज़ का, 800 रुपीज़ में अपने को 17 ZR मिला। अब इसमें सीन ये होता है ट्रांसपोर्ट, इसके लिए मैं ये वाला गाड़ी लेके आता हूँ तो क्या प्रॉब्लम नहीं, पीछे सब आ जाता है देख सकते हो। ओके तो अब और कोई परचेस तो होगा नहीं, सीधा जा रहा है। ओके सर, जैसे मैं कल जा रहे थे तो मैंने बोला था कि अपने जा रहे एक्सप्रेसवे से, बट रिटर्न अपने आएंगे नेशनल हाईवे से, क्योंकि अपने को झाड़ लेना था। अगर झाड़ लेना है तो एक्सप्रेसवे से नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ नहीं मिलेगा, नेशनल हाईवे से जाना पड़ेगा। तो अभी अपने नेशनल हाईवे से जा रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में डिफरेंस क्या है कि एक्सप्रेसवे में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स कुछ अलाउड नहीं है, सो कार्स और ट्रक्स ही तो कोई इशू आता नहीं, कटिंग वटिंग कुछ है नहीं। बट नेशनल हाईवे में सबको परमिट है और रोड का कटिंग्स भी आते हैं तो वो सब ध्यान देना पड़ता है। ओके तो देखो